सात, सात का आंकड़ा बहुत भारी। बाय। क्या हुआ करण? क्या हम कमरा बदल सकते हैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम? आपको याद नहीं वो गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा था कि सात का आंकड़ा हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं है। ये देखिए रूम नंबर 7। लास्ट मिनट कमरा कैसे बदलेंगे? देखो वेकेशन पीरियड चालू हो गया, पूरा होटल बुक। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें 5 कमरे एक साथ मिल गए। करण एक बार कोशिश करके देखिए ना। तुम ये वहम अपने दिल से निकालो प्लीज। जब से हम घर से निकले ना तुम खोई खोई सी, ऐसे होता है? और तुम खुद बताओ भला नंबर्स कभी किसी के लिए अनलकी हो सकते हैं, अशुभ हो सकते हैं, वो भी नंबर 7। तो करण तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सरगम में कितने सुर होते हैं? 7। तो 7 रंगों का इंद्रधनुष और 7 सुरों का सरगम किसी के लिए भी अशुभ नहीं होता बालिकी। ये वहम अपने दिल से निकाल दो। पर हमारे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा है करण, हमें अच्छा नहीं लग रहा। जब तक ये वहम मन में पालोगी इस पिकनिक को एंजॉय नहीं कर पाओगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। केयरफुल मयंक, ध्यान से लेके जाना मिष्टी को। ओके? हाँ मम्मा, डोंट वरी। कम इन। हाउसकीपिंग सर, ये फूल कहाँ रख दूँ? ये पीले गुलाब किसने मंगाए? मैंने तो ट्यूलिप मंगाए थे ना। लेकिन सर मुझे तो यही बोला गया था। हाँ? मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ। मैनेजर को बुला के लाइए जल्दी। जी सर, बोला था मैंने। अब जाने भी दीजिए ना, होली की तो बात है, जरूरी तो ये है कि आपको हमारी पसंद अभी तक याद है। ये फ्लावर्स, ये कर्टन, ये दीवारें और यहाँ तक कि बुद्धा स्टैचू भी। नॉट बैड रियली, तुम्हें पसंद आया? ऑफ कोर्स, सब कुछ कितना खूबसूरत है। लेकिन एक दो दिन के लिए इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये एक दो दिन जो हैं, हमें बहुत अरसे के बाद मिले और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नीलू को इन दो दिनों में इतना प्यार करूँ कि अगला पिछला सारा हिसाब चुकता हो जाए, शिकायत को बिल्कुल मौका ना मिले। नीलू, नहीं, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखता रहूँ तो मेरा तो हॉलीडे हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। येलो रोजेस नहीं है, ट्यूलिप्स है। ट्यूलिप्स, मैंने येलो रोजेस मंगाए थे। आपको फर्क मालूम है दोनों में? करण, करण छोड़िए ना, तो क्या हुआ ये लेकर आए तुम? हो सकता है येलो रोजेस तो क्या उनका क्या मतलब है? मैंने इतने प्यार से येलो रोजेस मंगाए थे तुम्हारे लिए और इस बात पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। आप जाइए अपने मैनेजर को बुलाइए। नहीं, मैनेजर को बुलाइए आप। सॉरी सर, वो रूम नंबर के कंफ्यूजन की वजह से फूल चेंज हो गए थे। हाँ हाँ ठीक है, ये हमें दीजिए। इतना बड़ा होटल है आपका और आपको दो फूलों में फर्क नहीं पता? हाँ, रूम की कंफ्यूजन हो गई, कल हमारा खाना भी आप उन्हें दे दीजिएगा। अरे करण, करण प्लीज शांत हो जाइए, अब ये हमें दे दीजिए और अब आप चल सकते। थैंक यू, जाइए। अरे करण शांत हो जाइए, करण इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बैठिए। इतने खूबसूरत रोजेस हैं सरप्राइज के लिए, थैंक यू। और आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे फूल नहीं आपकी बीवी ही बदल दी हो। जान ले लूंगा। अच्छा, कोई मेरी आभा को हाथ तो लगा के बताए। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ये चप्पल मैं पार्टी के लिए पहन रही हूँ। लेकिन मामी, ऐसी हालत में आपको इतने हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए। हाय राम, अच्छा हुआ कनिका तूने बता दिया, आज तूने मेरी डुग्गू फूकू की जान बचाई। मगर मैं तो बस यही चप्पल लेके आई हूँ। कोई बात नहीं मामी, आप मेरी चप्पल पहन लीजिएगा, लेकिन अभी जल्दी करिए, लेट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस वो
थोड़ा सा मेकअप करना है मुझे, हो जाएगा। पर मामी उस पार्टी में सब लोग मास्क पहनने वाले हैं, आपका मेकअप कैसे दिखेगा? अरे मेरे डुक्कू पुक्कू देखेंगे ना अपनी मॉम को। आज तो मैं फोटो भी खिंचाने वाली हूँ, आती हूँ। लाइए मैं बांध देती हूँ। अच्छा हुआ राघव मामा नहीं आए। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी जी, कनिका जी का मतलब है कि आपका इतना सुंदर रूप देखकर मामा जी आपको पार्टी में जाने नहीं देते, यहीं रोक लेते कमरे में अपने पास। वाओ, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सनशाइन रिसोर्ट की 7th एनिवर्सरी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओम हिरण्यगर्भ समव
क्या हुआ? शली भाभी यही है। कितना एंजॉय कर रहे? इतना क्यों घबरा गए? क्या हुआ करण? वो करण, हमें यहां से चलना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो आप? देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखो। अरे वीर भैया और प्रियंका भाभी के बीच सुलह होने ही वाली, और देखो मम्मी पापा कितना एंजॉय कर रहे हैं, और तुम यहां से जाने को कह रही हो। क्या हुआ? सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी तो मिष्टी पार्टी में जाएगी, डॉल से बाद में खेलेंगे, ठीक है? मिलो। आपके लिए भी हमने कपड़े निकाल दिए हैं, चलिए ना पार्टी पर। सॉरी नीलू, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम बच्चों के साथ जाओ ना, एंजॉय करो। क्या एक्चुअली मुझे एक केस स्टडी करनी है, छुट्टियां खत्म होते ही मेरा एक ऑपरेशन है। सो और वैसे भी तुम जानती हो मुझे इस सब में मजा नहीं आता। अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़िए ना माँ, आज तक माने जो आज मानेंगे। पिकनिक पर भी शायद से हमें इन्हें जबरदस्ती लेके आया है। मयंक, मैं बताऊँ तुम्हें? विरेन, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, हम ले जाते हैं बच्चों को पार्टी पर। चलो लेट्स गो, कम कम कम। अरे नीलू, ये तुम्हारा मास्क। ये जूते किसके हैं? जूते आप ही हैं, वो हमने सेवाराम से निकलवाए थे। आप उधर क्या देख रहे हैं? हम तो यहाँ हैं। अच्छा आप हमें ये बताइए कि आपका आज का दिन कैसा रहा? आपके बिना हमारा दिन कैसे हो सकता है? वही आपके ख्यालों में पूरे दिन बैठे रहे हैं। आज की दिन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात पे यकीन है कि आज की रात बहुत खूबसूरत होगी। रोमांस बाद में, पहले खाना। चलिए आप फ्रेश होके आइए, हम खाना गर्म करते हैं। पहले रोमांस बाद में खाना, पहले खाना बाद में रोमांस। ओके चलिए जाइए, जाइए ना। लता जी, मेरा टॉवल। ये जूते ब्राउन कैसे हो गए? ये तो काले थे। शायद मेरी गलत है। अरे निलंजना जी आ गए, हम एक मिनट उनसे मिलके आते। अरे बाद में मिल लेंगे। एक मिनट, कैसी हैं आप? हाय, मिस्टर रॉय नहीं आए? हमने सोचा था कम से कम आज तो उन्हें मिल ही लेंगे। पापा को ऐसा पसंद नहीं है।
हमेशा और मस्ती करना सब बेकार लगता है। अच्छा मयंक, ऐसी बात नहीं है आभा, एक्चुअली उन्होंने बहुत दिनों के बाद काम से छुट्टी ली है तो वो थोड़ा आराम करना चाहते थे। वैसे भी डॉक्टर्स को तो काम का कितना प्रेशर रहता है, तुम जानती हो ना डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल। हम समझते हैं। आपके पापा से मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, आपसे तो मुलाकात हो गई। हम आपकी मम्मी की दोस्त हैं और अब हम आपकी भी दोस्त बन गए हैं ना? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? क्या फायदा, ना ही आप हमारे साथ वीडियो गेम खेलेंगे और ना ही आप क्रिकेट में हमें हरा पाएंगे, इसलिए आप मामा की ही फ्रेंड बनी रहे आप आंटी। मामा मैं मास्क लेकर आऊं? हाँ जाओ। सॉरी वीर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रियंका माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। प्रियंका मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है, उनकी खुशियों में ही मेरी खुशी है। मुझे वादा करो कि तुम इस परिवार को कभी तोड़ोगी नहीं, हमेशा बनाए रखोगी। और मैं चाहता हूँ कि निशांत को भी हम वही संस्कार दें। मैं वादा करती हूँ वीर, आज के बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। आप दोनों को स्पेशल इनविटेशन चाहिए डांस करने के लिए? नहीं, हाँ, मास्क है। ये रहा मैडम का। मैडम का ये रहा स्पेशल फेदर वाला। अरे वाह, अब आप दोनों जरा करीब आ जाइए और डांस कीजिए। चलो मास्क पहन लो फटा। करण मास्क तो टूट गया। अरे ये लो मास्क, हमारा मास्क ले लो आभा। ऐसे भी वीरेन तो यहाँ है नहीं, तो हम अकेले तो डांस कर ही नहीं सकते। ले लो। थैंक यू। सॉरी, मुझे लगा मेरी बीवी है।
से सो जाइए। अब सो जाओ, कल हम पार्क चलेंगे। आपको आइसक्रीम पसंद है ना, हम बहुत सारी आइसक्रीम खाएंगे, आप, हम और आपकी माँ भी। जी प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा हमें बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए? प्रिंसेस डॉल? नहीं, वो तो हमें आज ही मिल चुकी है, ये देखिए। तो आपकी मामी ने आपको पहले ही गिफ्ट दे दिया? नहीं मामी ने नहीं, पापा ने। पापा? आज पापा हमारे घर आए थे, वाटर पार्क के पासेस भी लाए थे, हमें बहुत मजा आया वहाँ पे। अच्छा बेटा हमें बताओ कि आपके पापा आपको कहाँ और कब मिले थे? राज क्या कर रहा है बेटा, सोने दे उसे, सुबह उसे जल्दी उठना होता है स्कूल जाने के लिए। चल बाहर आ। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। राजे, राजे क्या सोच रहे हो बेटा? सोच रहा हूं कि तन्वी बिना वजह ऐसे नहीं कहेगी। ये देव उसे मिला कहां होगा? बेटा मैं भी यही सोच रही हूं, लेकिन एक बात और भी है, बच्चे तो मनगढ़ंत बातें बोलते ही रहते हैं, और फिर लता खुद उसे स्कूल लेने जाती है, स्कूल छोड़ने जाती है, वो उसे कहीं क्यों जाने देगी, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने तो सोचा था बिल्कुल नहीं आएंगे पार्टी पर, लेकिन आप आए भी और किसी और के साथ डांस भी किया। वैसे तो बड़ा नीलू नीलू करते हैं, अपनी नीलू को नहीं पहचान पाए। वैसे कौन थी वो? बहुत खूबसूरत थी, उसके साथ डांस करके बहुत मजा आया होगा। आई एम श्योर कुछ तो खास बात होगी उसमें, तभी तो आप धोखा खा गए वीरेन। क्या कर रहे हो वीरेन? दोबारा कभी ऐसी बात मत करना, समझे तुम? क्या कर रहे हो वीरेन? वीरेन यू हर्टिंग मी। मैं खुद को किसी और के साथ कभी सोच भी नहीं सकता, मेरी हो हमेशा मेरी रहोगी, कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे, ओके? कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, मत बोलना कभी ऐसा, प्लीज प्लीज। इतना प्यार करते हो हमसे, हमसे दूर जाने तक की बात तक नहीं सुन सकते? करण, आपने तो कहा था सब हमारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्या है? वन टू सरप्राइज।
मैंने तुमसे ज्यादा कभी कुछ नहीं चाहा आभा। Will you dance with me? आज हमें मौका देखकर राज्य को सब कुछ सच बताना ही होगा। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलते हैं, बस आप हम और तन्हाई। राज जी, अगर आपके पास समय हो तो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। लता जी, हम पर, हमारे समय पर आपका पूरा हक है। कुछ भी बात करने से पहले आप हमसे एक वादा कीजिए, आप नाराज नहीं होंगे। करण, आप कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं, प्रॉमिस। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर हमने करण को बताया हमें फिर से कुछ आभास हो रहे हैं तो वो परेशान हो जाएंगे। शायद चालीसा का पाठ पढ़कर मन शांत हो जाए, पर दुर्गा चालीसा तो शायद गाड़ी में ही रह गई है। चलो ऊपर चलते, ठंड लग जाएगी। आप जाइए, पावनी का कुछ सामान पढ़ाए गाड़ी में, हम वो लेकर आते हैं। हाँ चलो, मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, आप तो अभी से ठीक रहे, आप जल्दी जाइए, कपड़े बदलिए, चाबी हमें दीजिए, आप जाइए जाइए, हम पहुँच रहे हैं। अच्छा जल्दी आओ। लोगों को गाड़ी पार्क करना भी नहीं आता, किसकी गाड़ी? ये किसकी गाड़ी हो सकती है? हम रिसेप्शन पर जाके पूछते हैं। अरे अरे सुनिए, वॉचमैन। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।